ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 8 जो कि है Mathematical Induction and Binomial Theorem उसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है Characteristics of the Binomial Expansion यानी अगर हमारे पास दो टर्म्स होती हैं जैसे a plus b और इनकी कोई भी एक्सपोनेंट हो यानी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन हो तो हम उन तमाम ही के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर जो है इन लेक्चर्स में एमसीक्यू के थ्रू आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे जी एमसीक्यू की कोई डेफिनेशन जो इसमें स्टेटमेंट है बल्कि कुछ इस तरह से है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b होल पावर 17 इज अभी बात हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जब हम किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं ठीक है तो अगर उसकी एक्सपोनेंट 17 हो या कोई भी नंबर हो तो उसकी नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होती है यानी यहां पर जो टर्म्स की तादाद होगी वो फिर 18 होगी ठीक है जो कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल मतलब ये आंसर अवेलेबल है ठीक है इस ऑप्शन में और इसको हम सिर्फ क्लियर करने के लिए इस बात को यूं आपसे शेयर कर देता हूं कि अगर मैं a डिफरेंस b की पावर 0 या चलें 1 ले लेता हूं ठीक है 1 ले लेता हूं तो देखें इसमें पावर अगर 1 है तो इसमें टर्म्स की तादाद कितनी है 2 है ठीक है फिर इसी तरीके से अगर a डिफरेंस b की पावर 2 लेता हूं तो इसकी एक्सपेंशन से आता है जी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर तीन टर्म्स आ रही हैं और इसमें एक और बात भी कि जो हर टर्म है उसकी पावर उसके वेरिएबल की पावर उतनी होती है जितनी के गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंट जिस तरह यहां पे देखिए इस टर्म में a की पावर 1 b की पावर 1 तो ये ऐड होकर 2 इसी तरह यहां भी 2 तो इस तरीके से ये भी बात हम इसी एमसीक्यू से जो है वो सीख सकते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ k ओवर 2 प्लस 2 होल पावर 8 इज 1120 then what is the value of k yani ke is expression mein k ki kis value se jo middle term hai uska answer 1120 aayega sabse pehle ye baat yaad rahe ki jo hamare paas exponent hoti hai kisi bhi binomial expression ki uski terms ki tadad usse ek zyada hoti hai iska matlab yahan pe jo number of terms aayengi wo hamare paas kitni aayengi ji wo 9 aayengi theek hai ab 9 अगर टर्म्स हैं तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी बनेगी जारी बात है कि 4 टर्म्स अगर पहले हों 5th टर्म से और 4 टर्म्स से आगे हों जैसे 1 2 3 4 5 ये खुद आ गया 6 7 8 और 9 तो 5th टर्म जो है बेसिकली वो मिडिल टर्म है ठीक है ये बात हमें पता चल रही है कि 5th टर्म मिडिल टर्म है अब अगर मिडिल टर्म है तो इसमें हमारे पास जो इसकी मिडिल टर्म बनेगी ठीक है जिसको हम जनरल टर्म फार्मूला से अगर देखें तो ये हमारे पास होता है जी ncr ठीक है a पावर n माइनस r होता है और b पावर r होती है इसमें अब हमने चूंकि k की एक खास वैल्यू से इस नंबर तक पहुंचना है ठीक है जो कि यहां पर लिखा हुआ है अब देखिए अगर -2 में लिखता हूं तो -2 ओवर 2 -1 होता है और उसमें अगर 2 ऐड कर लें तो ये माइनस मतलब प्लस 1 की पावर 8 तो वो तो 1120 नहीं हो सकता 0 से आ सकता आंसर ठीक है यानी अब 1 और 2 में से कोई एक से हो सकता है मैं यहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग का जो मेथड है उसे यूज कर रहा हूं ठीक है अब हम फर्स्ट करें 2 को अगर k की जगह 2 लिखें तो यहां पर 2 ओवर 2 1 आ जाएगा 1 प्लस 2 3 यानी यहां पर 1 प्लस 2 और इसकी पावर 8 लिखी हुई है इसका मतलब a इसमें 1 है और b इसमें 2 है ठीक है इसको हम एक्सपेंड करते हैं n हमारे पास 8 है और r हमारे पास जो है वो 4 है ठीक है तो हम 8c4 को एक्सपेंड करते हैं देखते हैं इससे क्या आंसर आता है जबकि a हम लिखेंगे 1 और इसकी पावर 8 में से 4 माइनस करते हैं 4 जबकि b जो है हमारे पास वो 2 है और उसकी पावर r 4 है तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है 8c4 जो है अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 70 आता है ठीक है यानी 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल * 4 फैक्टोरियल तो इससे मैंने सॉल्व किया था ये 70 आता है जबकि 2 1 पावर 4 1 होता है 2 पावर 4 16
तो ये अगर 70 को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1120 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखें ए की वजह से आया। यानी इसका मतलब कि अगर हम ए ऑप्शन यूज़ करें, के की वैल्यू 2 यूज़ करें, तो फिर हमारे पास मिडल टर्म जो है वो 1120 इसका आंसर आता है, जो कि फिर बिल्कुल हमारा ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ एक्स पावर 18 अकर्स इन द आर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये जो इसमें फर्स्ट टर्म है वो 2 इंटू एक्स पावर 4 है, माइनस 3x इसकी सेकेंड टर्म है और इसकी होल इन दोनों की होल पावर 9 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ r इज बेसिकली यहाँ पर जो r है वो टर्म का नंबर है, ठीक है। और हमने देखना है कि वो कौन सी टर्म है जिसमें जब हम इस एक्सपेंशन यानी इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें x की पावर 18 आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए ये इस बात तक पहुँचेंगे, ठीक है, कि आखिर वो कौन सी टर्म हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम जनरल टर्म फार्मूला को देखें जो कि टी आर प्लस वन होता है, तो हम लिखते हैं एन सी आर, ठीक है, ए पावर एन माइनस आर लिखते हैं और बी पावर क्या लिखते हैं जी, हम आर लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम यूँ कहें कि अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एन है वो 9 है, ठीक है, वो तो हम यहाँ पर चलें लिख लेते हैं, और आर जो है बेसिकली चूँकि हमें टर्म नंबर यहाँ पर देखना है, याद रहे कि आर प्लस वन बेसिकली जो है वो टर्म नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। यानी इस आर को और इस आर को हम आपस में जो है वो एक जैसा ना समझें, ठीक है, ये आर टर्म नंबर बता रहा है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर अगर हम इस तरह से सोचें कि एन माइनस आर कितना डिफरेंस हो कि ए जो कि हमारे पास इस टाइम है 2x पावर 4, ठीक है, कि इस ये 4 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो और फिर 20 में क्या है हमारे पास -3x है, यानी x की पावर यहाँ पर r आ रही है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ पर वर्क किया, हमने कहा अगर हम जो है 6 रखें, मतलब r 6 रखें, ठीक है, ये इससे ये मतलब नहीं कि हम टर्म नंबर 6 की बात कर रहे हैं, हम r की वैल्यू अगर 6 रखते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास n माइनस आर कितना बनेगा, यानी 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पर 6 आएगा। तो देखें x की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पर x की पावर 4 3 टाइम 12, यानी ये पावर्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ऐड होकर 18 आ जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस इस पर करना, बाकी साइन जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। यानी हमने ये देखा कि हम अगर ये वैल्यू रखते हैं तो हमें आंसर जो है 18x पावर 18 मिल जाता है, जो कि हमें r 6 रखने से मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि टर्म नंबर जो होगी वो 7th होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 7th टर्म, ठीक है, चूँकि हमने 7th टर्म में r की वैल्यू 6 रखी थी, तो यहाँ पर चूँकि टर्म नंबर पूछा जा, इसलिए हम 7th ऑप्शन को मार्क कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जिसमें कि इस तरह से पूछा जा रहा है हमसे कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर माइनस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x जिसकी फर्स्ट टर्म है और माइनस 7 ओवर एक्स की सेकंड टर्म, ठीक है, और होल एक्सपोनेंट 8 है। तो इसमें जो टर्म जिसमें एक्स की पावर माइनस 2 आएगी उसमें कॉन्स्टेंट क्या होगा, यानी कोफिशियंट क्या होगा इस नंबर का जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें हम ये बात जानते हैं कि इसमें a हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 3x है, ठीक है, और जो b है यानी सेकंड टर्म जो है वो माइनस में है, तो 7x, ठीक है। अब हम अगर टर्म नंबर को पहले देखें, हम जानते हैं tr प्लस 1 जो है उसका फार्मूला जनरल टर्म का होता है ncr, फिर फर्स्ट मतलब हम जो टर्म है उसकी पावर n माइनस r लेते हैं और सेकेंड टर्म की पावर r लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि R क्या है, ये हमने देखना है, ठीक है। तो देखें हम यू कर लेते हैं कि पहले NCR तो एज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है, A जो कि हमारे पास कितना है 3x है, ठीक है, इसकी पावर N हम जानते हैं कि N हमारे पास 8 है, 8 माइनस R आ जाएगी, ठीक है, जबकि B जो है वो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको देखें तो B है माइनस 7 ओवर x और इसकी पावर क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। तो पहले x कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, यानी
8c r को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और 3 पावर 8 माइनस r और माइनस 7 पावर r, ये हमने अलग कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि टर्म नंबर कौन सी, यानी देखें x की पावर 8 माइनस r, ठीक है, इनटू ये x की पावर 1 ओवर x है, ऊपर जब शिफ्ट होगा तो x की पावर माइनस 1 जो कि r से मल्टीप्लाई होकर माइनस r हो जाएगी, जो कि हमारे पास बनती है x की पावर 8 माइनस 2r। अब हम ये चाहते हैं कि ये किसके बराबर हो, ये x की पावर माइनस 2 के बराबर हो। तो अगर ये x की पावर माइनस 2 के बराबर होनी चाहिए तो फिर यहाँ पर हम इस तरह से इसको सिंपलीफाई करते हैं कि 8 माइनस 2r जो है वो माइनस 2 के इक्वल अगर रखा जाए, फिर 2 को इधर शिफ्ट किया जाए माइनस 2 को, 2r को राइट साइड पे, तो 8 प्लस 2 जो है वो इक्वल टू 2r आ जाएगा और 10 इक्वल टू 2r आ जाएगा, जबकि 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड किया जाए तो r की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। इसका मतलब हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस 5 माइनस 7 की पावर 5 आ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो 8c5 का मतलब क्या है कि आप 8 फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हैं, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल पे मैं से रोक रहा हूँ, फिर नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा और 8 का 5 से डिफरेंस 3 फैक्टोरियल होता है जो 6 के बराबर है, ठीक है। जबकि 3 की पावर 8 में से 5 माइनस करें तो ये बनती है 3 और माइनस 7 की पावर आ जाएगी 5। अब देखें माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी सी और ए बी ये सारे ही नहीं है, ए ऑप्शन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी ऑप्शन ए हो सकता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे कि आखिर इसका क्या जवाब आता है। यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन मेन है उसे हम देख लेते हैं, 5 फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है 6 से, और ये बनता है 8 7 56, ठीक है, 3 की पावर 327 होती है, जबकि 7 की पावर 5 हम अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। जी आप देख सकते हैं कि इसमें 7 और इसकी पावर 5 ये बनता है 16,807, ठीक है, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो हमारा जवाब आता है 2584, जो कि ऑप्शन ए ही है विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमने बिल्कुल सही मार्क किया था, जो कि इस क्वेश्चन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि 2 + 2 पावर 2 + 2 पावर 3 प्लस ऑन प्लस 2 पावर n, ये किसके इक्वल होगा, मतलब अगर हम इसको एक फार्मूला की शक्ल दें तो ये सम किसके बराबर आएगा, इनमें से इसकी कौन सी जनरल टर्म बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि फॉर n इक्वल टू 2 के लिए चेक करता हूँ, मतलब एक इस पर इंडक्शन मेथड लगाता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं n इक्वल टू 2 की बात करता हूँ तो ये यहाँ तक सम आएगा, यानी 2 और 2 पावर 2 का सम जो कि 6 बनता है, ठीक है। अब अगर n 2 इधर पुट किया जाए तो यहाँ क्या आंसर आएगा, देखें 2 की पावर 2 प्लस 1 3 यानी 8 आंसर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 पुट किया जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 2 आर 8, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, इसको भी हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सी को देखें तो यहाँ पर 2 की पावर 2 प्लस 1 3 2 पावर 3 8 होती है और 8 2 आर 16 आंसर आ रहा है, ये भी इसके जैसा आंसर नहीं दे रहा, मतलब ये सम शो नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन को अगर आप चेक करें तो इसमें अगर 2 लिखा जाए तो 2 पावर 2 होती है 4 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 3 2 आर 6, ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इस तरह से देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी हमें बिल्कुल इस फार्मूला को इस यानी पूरे सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम इसको और एन की किसी और वैल्यू से भी लिख के चेक करें तो ये वाकई बिल्कुल सही जवाब आता है, ठीक है। यानी एन चूंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास आप यूँ समझ लें कि पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट इसका फिर ये ऑप्शन बन जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन 1 इसकी फर्स्ट टर्म है माइनस 4x इसकी सेकंड टर्म है इसकी होल पावर माइनस 1/2 इज वैलिड। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए जो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, फ्रैक्शन फॉर्म के लिए भी जो पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि जब हमारे पास 1 + x होगा, ठीक है,
और इसकी पावर n होगी, तो इसमें जो x होना चाहिए मतलब ये जो नंबर है, ये इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये 1 से लेस होनी चाहिए, यानी x एब्सोल्यूट जो है, अब चूंकि x नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है या सेकेंड टर्म है वो 4x है, ठीक है, हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट ऑफ 4x इज लेस देन 1, ठीक है। अब 4 का एब्सोल्यूट 4 ही होता है और x एब्सोल्यूट एज इट इज रहेगा, लेस देन 1 आ जाएगा। और अगर मैं इस इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर 4 से दोनों तरफ डिवाइड करूँ तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और x एब्सोल्यूट अब लेस देन आ जाएगा 1 ओवर 4 से, जो कि ना तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ना बी में, ना ही डी ऑप्शन में, चूंकि डी में ग्रेटर देन 1 ओवर 4 की बात की, बल्कि सी में जो है, और आप देखते हैं x एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन 1 ओवर 4 लिखा, जो कि फिर बिल्कुल हमारा एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा।